अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मी पावर बैंक 5000 का रिव्यू लाया हूँ। इसको Xiaomi मी पावर बैंक भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम इसकी क्वालिटी और इसके स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर देखा जाए तो Xiaomi का टैग लगा हुआ है, जिसको आप स्क्रैच करके इनकी ऑनलाइन वेरीफिकेशन कर सकते हैं कि ये इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं। बॉक्स के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले हमें मैनुअल गाइड मिलता है, जिसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन और इनकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। इसके साथ साथ आप देखें तो आपको Xiaomi का पावर बैंक मिलता है और साथ में माइक्रो USB केबल मिलती है। इस केबल से आप इस पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हैं और साथ में किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। अब इस पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम एनोडाइज यूनिबॉडी लगी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी फील देती है, जिस तरह कि आप हाई एंड स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं। 5000 की एम एच इसकी कैपेसिटी है और 9.9 mm की इसकी थिकनेस है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इजी टू कैरी भी है। इसके साथ आप किसी भी एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, सैमसंग के टैबलेट्स या USB फ़ैन या USB लाइट भी लगा सकते हैं। Xiaomi की सबसे खास बात यह है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को भी चार्ज कर सकते हैं, जिस तरह कि अगर आपने इसके साथ Xiaomi की मी बैंड लगानी है, चार्ज करनी है, तो वो भी इनके साथ हो जाती है। आपको मैं USB फ़ैन लगा के दिखाता हूँ और आईफोन भी लगा के दिखाता हूँ कि चार्ज करते हैं या नहीं। मेरे लिहाज से जो यूज़र अपने फ़ोन को कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको पावर बैंक की ज़रूरत है, तो ये 5000 वाला mAh के पावर बैंक खरीद सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बजट पावर बैंक का रिव्यू दिया था, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 1800 की प्राइस में आता है 5000 mAh के साथ, और Xiaomi का पावर बैंक मी टू ड्यूल पोर्ट्स वाला वो 10000 mAh की कैपेसिटी के अंदर आता है, वो 2000 में, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है जो हाई एंड यूज़र है, जिनको फ़ोन को ज़्यादा चार्ज करना होता है और वो इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। तो ये मैंने लगाया अपने आईफोन को और आप देख सकते हैं ये इसको चार्ज कर रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।